थेफ्ट का सेक्शन 378, ठीक है, एक्सटॉर्शन का सेक्शन 383, उसके बाद रॉबरी का सेक्शन 390, डकैती का 391, उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 403 एंड 404, उसके बाद हमने पढ़ा है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 405 से 9, फिर चीटिंग का सेक्शन 415 से 420, उसके बाद हमने सीधे फॉर्जरी पढ़ा था, ठीक है, वो 463 है। हमारा एक टॉपिक रह गया था फ्रॉडलेंट डीड्स एंड डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, ये हमने काफी लंबा था तो हमने लास्ट में नहीं पढ़ा, इसके सेक्शन है 421 से 424, ठीक है, तो मतलब चीटिंग खत्म होता है तो फ्रॉडलेंट डीड्स आ जाते हैं। चलो ये चार सेक्शन हो गए बच्चों 421, 2, 3 एंड 4, ठीक है, इसमें बहुत क्लियरली उन्होंने टेबल फॉर्मेट में एक्सप्लेन किया हुआ है, अपन ऐसे ही याद करेंगे। फ्रॉडलेंट डीड्स एंड डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, सबसे पहले बताओ फ्रॉडलेंट डीड्स मतलब क्या लग रहा है, गलत डीड्स यानी झूठी डीड्स, ठीक है, डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी यानी डिस्पोज ऑफ, पढ़ते हैं अपन डिस्पोज ऑफ यानी क्या करते हैं, सेल कर देते हैं, खत्म कर देते हैं प्रॉपर्टी को, ठीक है, या फिर हम क्या कर रहे हैं प्रॉपर्टी को, अच्छा इसको हम क्राइम क्यों बोल रहे हैं, ये तो ऑफेंस है, पनिशेबल ऑफेंस है, फ्रॉडलेंट डीड्स एंड डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 421 से 424 की तुम प्रॉपर्टी खत्म करो, ठीक है, और बच्चों एक चीज बताओ, जब हम क्रेडिट पे पैसे लेते हैं चाहे बैंक से लें या कोई ऐसी अथॉरिटी जो हमें लोन वगैरह प्रोवाइड करते हो, ठीक है, जैसे एनबीएफसी भी है और एक नॉर्मल पर्सन, ठीक है, जो लोन देते हैं, अब इनसे जब आप क्रेडिट पे लोगे तो गिरवी में कुछ रखोगे, ठीक है, तो गिरवी में आपने रखी प्रॉपर्टी, ठीक है, घर रख लिया, कार रख दी, कोई लैंड रख दी, ठीक है, कोई बिल्डिंग रख दी, अब जब आपने ये काम किया है तो जब आप पैसे नहीं लौटाओगे तो इनके पास क्या राइट्स हैं कि वो प्रॉपर्टीज बेच दें। पहला पॉइंट हमने पढ़ा था फ्रॉडलेंट डीड्स, बच्चों फ्रॉडलेंट डीड्स में हमने देखा कि अगर आप किसी से लोन ले रहे हो और उस पर अपनी एक कोई प्रॉपर्टी दिखा रहे हो जबकि वो आपकी प्रॉपर्टी है ही नहीं, या आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं, आपने एक फ्रॉड डीड बनाई है जिससे सामने वाले को लगे कि अरे आपके पास तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, इसको लोन दिया जा सकता है, तो ये एक ऑफेंस हो गया, पनिशेबल ऑफेंस, कि आपने किसी को झूठी डीड्स दिखाई और उसके दम पे आपने उससे क्रेडिट पे लोन लिया है। डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि जैसे ही आप इंसॉल्वेंट हो गए इन पैसे को देने के लिए, मतलब अब आपके पास वो लोन अमाउंट सपोज 1 लाख लिया था, ठीक है, आपने उन्होंने बोला कि हर मंथ मैं आपको 2% इंटरेस्ट भी लगाऊंगा, तो 1 लाख प्लस 2% इंटरेस्ट एवरी मंथ, ठीक है, अब जब ये 2% इंटरेस्ट ऐड होते 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 12 मंथ्स आ गए, 24 मंथ्स आ गए, अब आपका पेमेंट डेट आ गया, आपने कुछ भी उसको पे नहीं किया, इनिशियली बस 30,000 रुपीज सपोज पे किया था, तो आपका 70,000 प्लस 2% इंटरेस्ट जो भी आएगा वो आपको पेंडिंग है देने के लिए, आप सामने वाले के पैसे नहीं दोगे वो कहां से लेगा, आपकी प्रॉपर्टी से, अब आपने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, तो प्रॉपर्टी नहीं बची, वो कहां से लेगा, ये एक ऑफेंस हो गया, या फिर जो प्रॉपर्टी आप दिखा रहे थे कि आपके नाम पे, वो आपके नाम पे है ही नहीं, आपने तुरंत बेनामी ट्रांजैक्शन, बच्चों टैक्स बचाने के लिए एक चैप्टर है बेनामी ईबीसीएल में, उसमें क्या होता है, अपन टैक्स बचाने के लिए प्रॉपर्टीज किसी किसी और के नाम पे रखते हैं, इनकम किसके किस बिजनेस से आई और अपन इनकम किसी और की दिखा के और किसी और की प्रॉपर्टी उसको बना देते हैं, तो ये वाले जब आप एक्ट्स करते हो तो इस सेक्शन में आप कवर होते हो कि आपको किसी को पेमेंट करनी थी उसके लिए आपने प्रॉपर्टी सेल आउट कर दी या फिर आपने झूठी प्रॉपर्टी को बताया कि वो आपकी प्रॉपर्टी और उस पर पैसे ले लिए, ठीक है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करना ऑफेंसिव है।
चलो पहला है डिसऑनेस्टली और फ्रॉडलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग क्रेडिटर्स, ठीक है। दूसरा पॉइंट है मतलब सेक्शन 422, डिसऑनेस्टली और फ्रॉडलेंटली प्रिवेंटिंग डेट बीन अवेलेबल टू फॉर क्रेडिटर्स। थर्ड है डिसऑनेस्टली और फ्रॉडलेंटली एग्जीक्यूशन ऑफ डीड ऑफ ट्रांसफर ऑफ कंटेनिंग फॉल्स स्टेटमेंट फॉर कंसिडरेशन। और लास्ट है डिसऑनेस्ट और फ्रॉडलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। कंसीलमेंट मतलब छुपा के रखना, ठीक है। तो फ्रॉडलेंटली या फिर वो प्रॉपर्टी को रिमूव कर देना या छुपा देना कि सामने वाला उससे एक्सेस नहीं कर पाए, ठीक है। पहला पॉइंट पढ़ते हैं सेक्शन 421। Whosoever dishonestly or fraudulently removes, conceals or delivers to any person or transfers or causes to transfer to any person without adequate consideration any property intending thereby to prevent or knowing it to be likely he will be thereby prevent the distribution of property among, इतना सारा उन्होंने बेयर एक्ट वाली लैंग्वेज आपको दे दी है। जो हमने हेड पढ़ा डिसऑनेस्ट फ्रॉडलेंट रिमूवल एंड कंसीलमेंट, उसके बाद क्या लिखा ऑफ द प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिटर्स, ये हेड को सिंपल वर्ड्स में। दिस सेक्शन डील विथ फ्रॉड्स कनेक्टेड विथ इंसॉल्वेंसी। आप क्या बोल रहे हो हमारे पास पैसे है ही नहीं क्रेडिटर्स को। इट अप्लाइज टू मूवेबल एज इमूवेबल प्रॉपर्टी एज वेल एज इमूवेबल इन दिस सिचुएशन, मतलब इन अ व्यू ऑफ दिस सेक्शन द प्रॉपर्टी ऑफ अ डेटर कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद इंटेंट टू कॉज रॉन्गफुल कॉज टू क्रेडिटर्स। अभी क्या होगा कि आपने पहले तो बोल दिया आप इंसॉल्वेंट हो, आप पेमेंट दे नहीं सकते और जो आपकी प्रॉपर्टी है वो इतनी सफिशियंट ही नहीं है कि सब क्रेडिटर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो सके और उनका उनका पैसा उनको जा सके। इसकी पनिशमेंट होगी इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 years और फाइन और बोथ, चारों की पनिशमेंट सेम है, ठीक है। पहले वाले में वो बस बोल रहा है कि आपने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी रिमूव कर दी है, कंसील कर दी है या फ्रॉडलेंटली छुपा दी है, ठीक है। अब ट्रांसफर कर दिए ये बोल के कि आप इंसॉल्वेंट हो, आपके पास इन लोगों को देने के लिए प्रॉपर्टी है ही नहीं, मेरे पास नहीं है कि मैं आपको कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं, ठीक है। तो आप यहाँ पे पकड़े नहीं गए हो कि आपके पास प्रॉपर्टी है कि नहीं है, यहाँ पे आप क्या गए हो आपने पैसे ले लिए और आपके पास आप बोल रहे हो आप मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं बची क्रेडिटर्स को देने के लिए। तो ये सेक्शन लगा के सेक्शन 421 लगा के वो उसको पनिशमेंट भी दे सकते हैं, फाइन भी लगा सकते हैं और उसके बाद उस अपने अपने क्रेडिटर्स अपने अपने पैसे किस तरह से मांग सकते हैं वो जज डिसाइड करेगा कि आपने कितना क्रेडिट दिया था, आपने कितना क्रेडिट लोन दिया था, आपने कितना उतना उतना अमाउंट उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी श्योर नहीं है, पर उसको पनिशमेंट 2 years और फाइन और बोथ हो सकती है, ठीक है। The transfer was without adequate consideration that the accused either prevented or intended to prevent legal distribution of the property amongst its creditors. He acted dishonest and fraudulently. बच्चों ये कैसे पता चलेगा कि उसने ये सब dishonestly and fraudulently किया है? मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो बैंक वाले लोग हैं, ये बैंक और कोई पर्सन मान लो जिसने लोन दिया है वो डायरेक्टली पैसे नहीं दे रहा है एक आदमी, ठीक है, डायरेक्टली जाके 421 सेक्शन लगा दे कि ये तो डिसऑनेस्ट है, इसने फ्रॉड किया, अब ये बोल रहा है कि इसके पास प्रॉपर्टी नहीं, इसके पास है प्रॉपर्टी, ये इंसॉल्वेंट अपने आप को डिक्लेयर कर रहा है, ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है सारे क्रेडिट, ये इनकी जिम्मेदारी है टू प्रूफ, ठीक है। ये आप ऐसे ही किसी पे भी एलिगेशन नहीं लगा सकते बच्चों। क्राइम करते टाइम इंसान ने क्राइम किया है उसको पता है, लेकिन जो बोल रहा है कि उसने ये क्राइम किया है, ऑफेंस किया है, तो वो प्रूफ करेगा, प्लस जो वो पर्सन है जिसने क्राइम किया है, जब तक प्रूफ नहीं हो जाता तब तक वो इनोसेंट पर्सन रहता है। जब तक सामने आ नहीं जाता कि इस पर्सन ने ये क्राइम किया, तब तक वो क्या रहता है, एक इनोसेंट पर्सन रहता है। जैसे ही प्रूफ हो जाता है तब हम उसको अक्यूज्ड वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहला सेक्शन 421 जिसमें वो क्या कर रहा है, डिसऑनेस्टली फ्रॉडलेंटली रिमूवल कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग क्रेडिटर्स। बस उसने क्या किया है, कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे अपनी प्रॉपर्टी या तो रिमूव कर दी है या छुपा के रख दी है या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, मतलब कैसे भी करके बस वो नहीं दिखाना चाहता है कि उसके पास प्रॉपर्टी है। वो अपने आप को क्या डिक्लेयर कर रहा है बच्चों, इनसॉल्वेंट डिक्लेयर कर रहा है। अभी हमको पता नहीं चला है कि वो उसने ये कांड किया है, ठीक है। ये जो क्रेडिटर्स है उनको प्रूफ करना पड़ेगा कि उसने अपनी प्रॉपर्टीज को छुपा दिया है, रिमूव कर दिया है या फिर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। असेंशियल देखो 421 के
सबसे पहले अक्यूज्ड हैज डन एनीथिंग ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, रिमूव्ड, कंसील्ड, डिलीवर्ड और ट्रांसफर्ड। जिस प्रॉपर्टी को आपने गिरवी पे रखा था या तो उसने रिमूव कर दी, डिलीवर्ड कर दी, ट्रांसफर कर दी या फिर कंसील कर दी, ठीक है। द ट्रांसफर वॉज विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, इसका मतलब क्या है? नहीं, इसका मतलब है कि उसने बिना सोचे समझे कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी प्रॉपर्टी की, उसने इन एडिक्वेट कंसिडरेशन में प्रॉपर्टी हटा दी। मतलब प्रॉपर्टी 1 करोड़ की होगी, हो सकता है उसने 50 लाख में हटा दी हो, प्रॉपर्टी 1 करोड़ की होगी, हो सकता है उसने 2 करोड़ में हटा दी हो, वो कैसा भी इन एडिक्वेट हो जिसमें उसका फायदा हो जाए। और लास्ट फिर द अक्यूज्ड ईदर प्रिवेंटेड और इंटेंडेड टू प्रिवेंट द लीगल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी अमंग्स इट, कैसे प्रिवेंट किया ये बोल के कि मैं इंसॉल्वेंट हूं, तो उसने बाकी क्रेडिटर्स के सामने अपने आप को प्रेजेंट किया कि मैं इंसॉल्वेंट हूं, मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है। ही एक्टेड डिसऑनेस्टली और फ्रॉडलेंटली, ये प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ वो जो ये सब बातें बोल रहा है वो सब झूठी हैं, ठीक है। सेक्शन 422, इसमें क्या हो रहा है? डिसऑनेस्टली और फ्रॉडलेंटली प्रिवेंटिंग डेट बींग अवेलेबल फॉर क्रेडिटर्स, मतलब सारे क्रेडिटर्स को पैसा मिल ही नहीं पाया। इन सिंपल वर्ड्स, वेयर द पर्सन फ्रॉडलेंटली प्रिवेंट्स द पेमेंट ऑफ डेट टू द क्रेडिटर, इट इज कवर्ड अंडर दिस सेक्शन। किसी भी फॉर्म में वो प्रिवेंट कर रहा है कि इन लोगों को मैं पैसे नहीं दूं, कल दूंगा, कल दूंगा, कल दूंगा, ऐसे करते करते बहुत सारे साल निकाल दिए, उसके बाद बोल रहा है कि अभी मैं बाहर हूं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पेरेंट्स बीमार हैं, मेरी वाइफ को कुछ हो गया, ऐसे कर करके वो क्रेडिटर्स को लटका रहा है। तो वो सेक्शन 422 लगा सकते हैं, पेनाल्टी इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years और फाइन और बोथ, ठीक है। 423, डिसऑनेस्ट फ्रॉडलेंट एग्जीक्यूशन ऑफ डीड, अब आ गया फ्रॉडलेंट डीड वाला, ऑफ ट्रांसफर कंटेनिंग फॉल्स स्टेटमेंट फॉर कंसिडरेशन। Essential ingredients पहले देखते हैं, फिर ऊपर वाला paragraph. The sale deed or the deed subjecting an immovable property to a charge must contain a false statement. मतलब जब आप property charge पे रख रहे हो उसमें एक false statement डाल दिया आपने कि या तो ये property मेरी है, या इस property का rate इतना है, या इतना पूरा land मेरा है, जबकि उसका कुछ part आपका हो, ठीक है, कुछ ना कुछ उस deed में एक false statement है। The false statement is related to consideration या फिर beneficiary. Consideration मतलब आपने wrong amount उसको बताया है, beneficiary मतलब कि प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, आपने उसमें झूठी दिखाई है कि आपकी है, मतलब बेनामी ट्रांजेक्शन। यहाँ पे आपने इनकम टैक्स में जैसे दिखाते हैं प्रॉपर्टी आपकी होती है, लेकिन आप टैक्स कम पे करने के लिए प्रॉपर्टी अपने किसी अदर फैमिली मेंबर की दिखाते हैं, वैसे आपने लोन लेते टाइम, क्रेडिट में लोन लेते टाइम कुछ भी कंसिडरेशन या फिर बेनिफिशियरी की कोई भी चीज झूठी दिखाई होगी जो आप डीड बना रहे हो चार्ज को लेके, ठीक है। पेनाल्टी देखो, इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years और फाइन और बोथ। जब लीगल वर्ड्स पढ़ेंगे तो लिखा है whosoever dishonestly or fraudulently sign, executes or become a party to any deed instrument which purports to transfer or subject to any charge on प्रॉपर्टी, यानी कि जब चार्ज क्रिएट करते टाइम आपने फ्रॉडेंटली साइन करवा दिया है किसी से, या एग्जीक्यूट कर ली है, या फिर आप खुद पार्टी बन गए उसमें, और एनी इंटरेस्ट देयर इन व्हिच कंटेन्स एनी फॉल्स स्टेटमेंट रिलेटिंग टू कंसिडरेशन ऑफ अ सच ट्रांसफर और चार्ज रिलेटिंग टू पर्सन और पर्संस फॉर द यूज ऑफ बेनिफिट इज रियली इंटेंड टू ऑपरेट शैल बी पनिशमेंट विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 years और फाइन और बोथ, ठीक है। ये पढ़ने में थोड़ा सा बोरिंग लगता है, तुमको याद करने के लिए एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स याद कर लो, और जब लिखते टाइम जाओगे तो स्टार्ट ऐसे करना बस, whosoever dishonestly, और फिर एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स से ही तुम्हारे पॉइंट्स बनते जाएंगे क्योंकि उसमें वही लिखा हुआ है, ठीक है, विथ रेट। क्योंकि तुम जबकि जितना क्लैरिटी से आंसर लिखोगे ना उतना चेकर को मजा आएगी। अगर तुमने लिख दिया एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, थोड़ा सा पैराग्राफ बता दिया भाई सेक्शन में कैसे लिखा है, whosoever dishonestly fraudulently signs execute the deed, उसके बाद तुरंत तुमने एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, वो तुम्हारे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स देख के ही तुमको मार्क्स दे देगा, वो पैराग्राफ इतना ध्यान नहीं देगा क्योंकि तुमने सारी चीजें देखो जो हमने वहां पढ़ी, सारी चीजें उसने कवर की, इनफैक्ट पनिशमेंट उन्होंने अलग से बताई है। तो अगर तुमने ये पैराग्राफ लिखा है कि द सेल डीड सब्जेक्ट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉल स्टेटमेंट, फिर बेनिफिशियरी कंसिडरेशन वाली चीज फ्रॉडलेंटली और डिसऑनेस्टली वाला वर्ड और ऐड कर लेना और अलग से पनिशमेंट बता देना, तो तुम्हारा आंसर फ्रेमिंग यहाँ पे ही सेट हो गया, ठीक है। ये कौन सा सेक्शन हो गया? 423। 421 में बच्चों क्या पढ़ा था? डिसऑनेस्टली फ्रॉडलेंटली में ट्रांसफर कर दे रहा है, रिमूव कर दे रहा है, कंसील कर दे रहा है या फिर डिलीवर कर दे रहा है प्रॉपर्टी जो क्रेडिटर्स में डिस्ट्रीब्यूट होनी थी उसको प्रिवेंट करने के लिए। पनिशमेंट क्या है? 2 years फाइन और
बोथ। फिर सेक्शन 422 में किसी भी तरह से खुद को प्रिवेंट कर रहा है कि मैं क्रेडिटर्स को पे नहीं करूं, इम्प्रिजनमेंट 2 इयर्स और फाइन और बोथ। फिर 423 में उसने क्या किया, फॉल्स स्टेटमेंट डाल दिया, वो कोई भी जो चार्ज डीड आप बनाते हो। फॉल्स स्टेटमेंट मस्ट बी रिलेटेड टू कंसिडरेशन और द बेनिफिशियरी, तो साइन कर ली, एग्जीक्यूट कर दिया या किसी और का साइन कर दिया, बिकम अ पार्टी, आपका कोई इंटरेस्ट है उसमें, उस डीड में अगर फॉल्स स्टेटमेंट आपने डलवाया तो आपको इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 इयर्स और फाइन और बोथ हो सकती है। लास्ट सेक्शन 424, डिसऑनेस्टली फ्रॉडलेंट रिमूव एंड कंसीलमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। कहीं ना कहीं ये सेक्शन 421 जैसा लग रहा है, वो वाले सेक्शन में एक था दिस वॉज रिलेटेड टू इंसॉल्वेंसी, ठीक है, उसके बाद हमने नहीं पढ़ा। अब यहाँ पे भी देखो सिमिलर चीज, देयर इज अ प्रॉपर्टी द अक्यूज्ड कंसील्ड और रिमूव द सेट प्रॉपर्टी और असिस्टेड इन कंसीलिंग और रिमूविंग द सेट प्रॉपर्टी। वही पॉइंट से, बस एक पॉइंट क्या कर दिया, असिस्टेड। द सेड एक्ट वॉज डन डिसऑनेस्टली और फ्रॉडलेंट, द अक्यूज वॉज एंटाइटल टू डिमांड और क्लेम, द अक्यूज रिलीज द सेम ही सो रिलीज डिसऑनेस्टली और फ्रॉडलेंटली। मतलब आपका कोई क्लेम पेंडिंग था कहीं और भी बच्चों, ठीक है, अब आपने इस वाले क्रेडिटर्स के साथ भी डिसऑनेस्टली किया और उस वाले से भी, और आपने जो क्लेम आपका पेंडिंग था वो आपने फॉल्स क्लेम दिया है, ठीक है, मतलब आपने क्लेम किया कि मेरे पास ये प्रॉपर्टी है जिससे आप पैसे ले सकते हो, पर एक्चुअल में आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। ऐसे करते करते आपने बहुत सारे क्रेडिटर्स से पैसे ले लिए, ठीक है। पनिशमेंट सेम, सेम वर्ड्स लिखे, देखो फ्रॉडेंट ही असिस्ट द कंसीलमेंट, डिसऑनेस्टी रिलीजेस एनी डिमांड और क्लेम विच इज एंटाइटल्ड, ट्वेंटी वन में स्पेसिफिकली इंसॉल्वेंट वर्ड लिख दिया था, इसमें इंसॉल्वेंट चीज कहीं नहीं लिखी है, ठीक है, सबको समझ आ गया। फ्रॉडलेंट डीड और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 421 से 424। अब सेक्शन वाइज याद हो जाएंगे क्योंकि इसमें चार्ट फॉर्म में दिया है। वन में बोला है इंसॉल्वेंसी है और वो रिमूव कर दे रहा है, मतलब पहले रिमूव कर दे रहा है, ट्रांसफर कर दे रहा है, डिलीवर कर दे रहा है या फिर कंसील कर दे रहा है कोई भी प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टली या फ्रॉडली, और अपने आपको क्या प्रेजेंट कर रहा है कि मैं इंसॉल्वेंट हूं, मैं तुम्हें कोई भी क्रेडिटर्स को पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। दूसरे वाले में कैसे भी करके प्रिवेंट कर रहा है क्रेडिटर्स को, मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा। थर्ड वाले में फॉल्स स्टेटमेंट इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द डीड, दैट स्टेटमेंट शुड बी रिलेटेड टू कंसिडरेशन और बेनिफिशियरी। 424 में उसने क्या किया, वही किया, रिमूव किया, कंसील किया या फिर किसी को असिस्ट किया, रिमूव किया या फिर कंसील किया, और कैसे ना कैसे जो आपको क्लेम था आपने झूठा क्लेम उसको बताया कि आपके पास ये प्रॉपर्टी, जबकि आपके पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और उसके बाद चारों में पनिशमेंट क्या है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 इयर्स और फाइन और बोथ। क्या हो गया, गला दुख रहा है, किसने दबाया, पानी पी लो। देखो उसमें सेम तरीके से दिया और हर एक तुम्हारी मॉड्यूल में सेम तरीके से दिया, हर एक के बाद एक एग्जाम्पल है, वो पढ़ना समझ आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ लास्ट डेफिमेशन बचा था, चलो बच्चों डेफिमेशन सेक्शन 499, ठीक है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है डेफिमेशन सेक्शन 499। क्या होता है डेफिमेशन, सबको पता है क्या करना, मानहानि, बेनामी और मानहानि, ठीक है, किसी की भी रेपुटेशन, कोई फेमस पर्सन को डी कर देना तो डेफिमेशन, ठीक है, डिफेमेशन यानी कोई फेमस पर्सन को डी कर देना, ठीक है। अब whosoever by word spoken either spoken or intended to be read यानी printed form में हो और signs by visible representation, sign language, sign करके कैसे आप किसी की मानहानि या defame कर सकते हो किसी को, sign बनाना नहीं है, जैसे आप किसी के साथ इंटरव्यू देने गए हो, ठीक है, अब आपने क्या किया, जब वो पर्सन इंटरव्यू दे रहा है आप कुछ ना कुछ एक्शन से उसकी बात को झूठा ठहरा रहे हो, आप कुछ ना कुछ ऐसे एक्शन कर रहे हो जिससे उसकी फेमस कम हो जाएगी या कुछ ना कुछ उसको साइन लैंग्वेज से आप कुछ गलत बोलने की कोशिश कर रहे हो जिससे पब्लिक में क्या रिप्रेजेंट होगा कि हाँ वो आदमी गलत है,
ठीक है, तो वो इस चीज का एक्शन ले सकते हैं कि आप उसको डिफेम करने की कोशिश कर रहे हो. मेक्स और पब्लिश एनी इम्प्यूटेशन कंसर्निंग एनी पर्सन इंटेंटेड टू हार्म नोइंग और हैविंग अ रीजन टू बिलीव दैट सच इम्प्यूटेशन विल हार्म द रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन एक्सेप्ट इन केसेस हियर एंड आफ्टर एक्सेप्टेड टू डिफेम दैट पर्सन. ये एक्सेप्शंस बड़े इंटरेस्टिंग है. देखो डिफेमेशन मतलब सबसे पहले कोई भी वर्ड स्पोकन या टू बी रीड, और एक वर्ड याद रख लो साइन, ठीक है, विजिबल रिप्रेजेंटेशन. अब इससे क्या क्या आपने पब्लिक में कोई चीज पब्लिश कर दी या इम्प्यूट कर दी, जो सोशल मीडिया में लोग करते ना, तो अगर वैसे आपने इम्प्यूट कर दी है कोई चीज जो बहुत सारे मैक्सिमम लोगों को पब्लिक को अवेलेबल हो, यहीं पे बैठ जा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, डिफेमेशन होगा. तो तुम्हों को क्या लगता है डिफेमेशन की क्या पनिशमेंट हो सकती है, अब इतनी सारी पनिशमेंट पढ़ ली तो एक अंदाजा, 3 साल और फाइन और बहुत, अभी हम देखेंगे, ठीक है. अब एक्सप्लेनेशन में अमाउंट टू डेफेमेशन टू इम्प्यूट एनीथिंग टू अ डिसीज्ड पर्सन, मतलब कोई आदमी नहीं है. इफ इम्प्यूटेशन वुड हार्म द रेपुटेशन ऑफ द पर्सन इफ लिविंग एंड इज इंटेंटेड टू बी हर्टफुल टू द फीलिंग ऑफ हिज फैमिली और अदर नियर रिलेटिव्स, ठीक है, मतलब कि जो बाकी लोग है अगर उनको भी हार्म हो रहा है, कोई पर्सन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो क्या हम उसको डिफेम कर सकते, नहीं कर सकते. It may amount to defamation to make an imputation concerning a company or association or collection of a person as such. मतलब आप किसी कंपनी को भी नहीं डिफेम कर सकते, क्योंकि उस कंपनी को जो चला रहे हैं वो उनकी फीलिंग्स हर्ट हो जाएंगी, तो वो भी डेफेमेशन का सेक्शन ले सकते हैं. An imputation in form of an alternative or express innocuously may amount to defamation. मतलब indirectly आप किसी की बदनामी करने की कोशिश कर रहे हो, उसको कहीं ना कहीं defame करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो भी cover कर सकता है defamation में. मतलब किसी और की बेइज्जती करके indirectly किसी और की भी हो रही है. तो there are 2-3 parties involved, लेकिन आप highlight किसको कर रहे हो, एक person को, तो बाकी लोग भी defame का action ले सकते हैं. एक और एक्सप्लेनेशन है, नो इम्प्यूटेशन इज सेट टू हार्म पर्सन्स रेपुटेशन अनलेस दैट इम्प्यूटेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन एस्टिमेशन ऑफ अदर्स लोअर्स द मोरल और इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर ऑफ दैट पर्सन. मतलब डेफेमेशन में मोरल और इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन गिरना चाहिए, और लोअर्स द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन रिस्पेक्ट ऑफ हिज कास्ट और ऑफ हिज कॉलिंग. Lowers the credit of that person, causes it to believe that the body of that person is in loathsome state or state generally considered disgraceful. आपने उसको body shaming is an example, ठीक है, अगर आपने किसी की body को लेके कोई comment किया है, that is a defamation में cover हो जाएगा. किसी के नाम surname को लेके अगर आपने बोला है तो वैसे defamation में cover हो जाएगा. किसी के चेहरे की जो है किसी को, मतलब किसी के भी फेस को लेके कोई आपने कमेंट किया, किसी के नेम को लेके आपने, किसी के पैसे को लेके आपने कमेंट किया, किसी के फैमिली को लेके कमेंट, कहीं ना कहीं हर चीज पे वो एक्शन डेफेमेशन का ले सकते. कहाँ नहीं ले सकते ये तुम मुझे बताओ, कहाँ पे डेफेमेशन का सेक्शन नहीं कवर होगा. पॉइंट है, जब गुड फेथ में अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिकली पब्लिश करना चाहते हो, वो गुड फेथ का मतलब हमने क्या पढ़ा था जनरल क्लॉजेज एक्ट में, ऑनेस्ट, ठीक है, गुड फेथ का लॉ के हिसाब से मतलब होता है ऑनेस्ट, मतलब कोई सच बात को हम डिफेम नहीं बोलते हैं, ठीक है. ऐसे बहुत सारे केसेस है डेफेमेशन में, बहुत सारे एक्सेप्शन हैं, जैसे कि कभी कोई पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन किया है, ठीक है, पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन किया और तब उसको कोई ऐसी चीज मिली है जिस जो सामने वाले पर्सन के अगेंस्ट है, और उसने वो चीज प्रोड्यूस कर दी, पब्लिश कर दी, या एक इंटरव्यू में बोल दी कि ये आदमी तो ऐसा है, इसने ऐसा, तो वो डेफेमेशन का एक्शन नहीं ले सकते, ठीक है. ऐसी अगर कोई चीज कोई हमने कोई एक ऑलरेडी फ्रॉड पर्सन है उसके बारे में हमने पब्लिश किया है कि भाई तुम्हारे साथ भी फ्रॉड हो सकता है, इस चीज से बच के रहो, तो तुम क्या बोल सकते हो, डेफेमेशन का केस नहीं है, ठीक है. चलो इलस्ट्रेशन, ए सेज जेड इज एन ऑनेस्ट मैन, ही नेवर स्टोल्स बीज वॉच इंटेंडिंग टू कॉज इट टू बिलीव दैट जेड स्टील्स बीज वॉच, दिस इज अ डेफेमेशन अनलेस इट फॉल्स अंडर विद इन वन एक्सेप्शन, ठीक है, हर जगह वो ये डाल देंगे, ठीक है, मतलब उसने इनडायरेक्टली क्या किया, ये बोलने के लिए कि वो चोरी कर सकता है, ठीक है, उसने ये वाली चोरी नहीं की. ए इज आस्क्ड टू स्टोल बीज वॉच, ए पॉइंट्स टू जेड इंटेंडिंग टू कॉज इट टू बिलीव दैट जेड स्टोल बीज वॉच, दिस इज डेफेमेशन अनलेस इट फॉल्स अंडर वन एक्सेप्शन, ये उल्टा लिखा हुआ है. ए इज आस्क्ड
टू स्टोल बीज वॉच, ए पॉइंट्स टू जेड. अब उसने एक्शन से पॉइंट किया कि मेरे को बोल रहे पर तू जाएगा, मतलब तुम चोर हो. ठीक है. ए ड्रॉज अ पिक्चर ऑफ जेड रनिंग अवे विथ बीज वॉच. अब उसने ये पब्लिश करने के लिए ऐसे पिक्चर बना दी. इंटेंडिंग टू इट टू बिलीव दैट जेड स्टोलन बीज वॉच. भाई मैंने बोला थोड़ी है, मैंने तो सिर्फ एक ड्रॉइंग बनाई है, पर तुमने डेफेमेशन किया है. ठीक है, बड़े सिली से एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए हैं. एक्सेप्शन पढ़ते हैं. फर्स्ट एक्सेप्शन, इम्प्यूटेशन ऑफ ट्रूथ विच पब्लिक गुड रिक्वायर्स टू बी मेड और पब्लिश. तुमको हेडिंग से समझ आ जाएगा बच्चों पहले क्या बोल रहे हैं. इम्प्यूटेशन ऑफ ट्रूथ विच पब्लिक गुड रिक्वायर्स टू बी मेड और पब्लिश. दूसरा, पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, मतलब अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं पब्लिक सर्वेंट, तो फिर उसको हम डेफिमेशन में कवर नहीं करें. कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन. अब जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो अगर ऐसे आपसे पूछ रहे हैं कि आपका क्या मानना है नेताओं को लेके, तो उसको हम डेफिमेशन में कवर नहीं करेंगे. पब्लिशिंग ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट. अब जज जो बात बोलते हैं, जज तो कितनी सारी बातें बोलते हैं, तो हम जज को नहीं बोल सकते कि आपने किसी पर्सन को डिफेम किया है. मेरिट्स ऑफ द केस डिसाइडिंग कोर्ट ऑफ कंडक्ट ऑफ विटनेस और अदर कंसर्न, मतलब विटनेसेस आए अपनी अपनी बात बोली, फाइनली एक पर्सन को जज ने अपने जजमेंट में बोला कि तुम वही पर्सन हो जिसने ये क्राइम किया, तुमको इतने. अब जब उनने ये बोल दिया तुम वो पर्सन हो तुमने ये क्राइम किया, जैसे अपन स्टोलन वाला बोलते यार वो एक्चुअल चीज बोल रहे हैं, वो आफ्टर ऑल द एविडेंसेस और विटनेसेस को सुनने के बाद बोल रहे हैं, उसमें आप डेफिमेशन का केस नहीं लगा सकते. ठीक है. फिर मेरिट्स ऑफ पब्लिक परफॉर्मेंस. अब जब मूवीज आते हैं, सॉन्ग्स आते हैं, हम रिव्यूज देते हैं, लोग तो बहुत वाहियात वाहियात कॉमेंट्स भी देते हैं, तो अब इन सब चीजों को लेके हम डेफेमेशन को चीज नहीं कवर करेंगे. क्यों? क्योंकि वो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो किसी का ओपिनियन है, ओपिनियन पे हम डेफेमेशन का केस नहीं लगाते. उसके बाद फिर है सेंश्योर पास्ड इन गुड फेथ बाय पर्सन हैविंग लॉफुल अथॉरिटी ओवर अनदर. सेंश्योर के वहां लिख दो फॉर्मल ऑर्डर, जब फाइनल डिसीजन आ गया है जज का, उसमें आप डेफेमेशन का केस नहीं लगा सकते. ठीक है, अभी हम एक एक पढ़ेंगे. एट्थ एक्सेप्शन, अक्यूज्ड प्रेफर इन गुड फेथ ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन. ये जो मैं बोल रही हूँ, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अगर कोई पर्सन के लिए अगेंस्ट बोल रहे हैं, अक्यूज्ड के अगेंस्ट कुछ बता रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वो डेफिमेशन में कवर नहीं होगी. नाइन्थ, इम्प्यूटेशन मेड इन गुड फेथ बाय पर्सन ऑफ प्रोटेक्शन हिज और अदर्स इंटरेस्ट. लास्ट, कॉशन इंटेंडेड फॉर गुड ऑफ पर्सन टू हुम कन्वेड ऑफ पब्लिक गुड और नॉट. जैसे इंस्टाग्राम में तुम देखा है बहुत सारी फेक आईडीज बनती हैं, लोग पैसे मांगते हैं, कभी तुमने उन्हें दे तो नहीं दिए हैं ना. मेरे नोन में ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने 50-60,000 ट्रांसफर कर दिए हैं ऐसे लोगों को. ठीक है, एक तो पिंकी दीदी के ही साइड से हुआ था, किसी स्टूडेंट से ही पूछ लिया था कि पैसे दे दो पिंकी दीदी के आईडी से, किसी ने मांग लिया थे स्टूडेंट से, पर स्टूडेंट स्मार्ट था, उसने दिए नहीं, 10th क्लास का स्टूडेंट था. अभी जब ये सब हो रहा है, तो मैंने अगर एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया कि दिस आईडी इज फेक, एट द रेट दिस पर्सन इज यूजिंग दिस आईडी, तो क्या ये डेफामेशन है? नहीं है. सिर्फ मेरा इंटरेस्ट प्लस तुम सबका इंटरेस्ट बच रहा है कि तुम उसको पे नहीं करो. ये दोनों पॉइंट्स कहीं ना कहीं सिमिलर है. कितने हो गए टोटल? 10 एक्सेप्शन, वन बाय वन हम कवर करते हैं. चलो फर्स्ट वाले में बोल रहा है, इम्प्यूटेशन ऑफ ट्रूथ विच पब्लिक गुड रिक्वायर्स टू बी मेड. इट इज नॉट डेफामेशन टू इम्प्यूट एनीथिंग विच इज ट्रू कंसर्निंग एनी person, if it to be public good, that imputation should be made and published, whether or not it is for public good is a question or fact. मतलब कि अगर कोई बात आप सच्ची बोलना चाहते हो, इससे पब्लिक का फायदा होगा कि नहीं होगा, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है. पर किसी एक पर्सन ने अपना ओपिनियन दिया कि मुझे ऐसा लगता है कि इससे पब्लिक का फायदा होगा, अगर उसने वो चीज सच बात को पब्लिश किया है, तो हम उसको कभी भी डेफेमेशन नहीं बोलेंगे. न्यूज रिपोर्टर कितनी सारी न्यूज देते हैं, कितनी सारी वो कहानियां बना बना के न्यूज देते हैं, तो हम उन पर डेफेमेशन का एक्शन नहीं ले पाते. ठीक है. पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट. इट इज नॉट डेफेमेशन टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ एनी ओपिनियन, मार्क करो एनी ओपिनियन, वॉट एवर रिस्पेक्टिंग द कंडक्ट ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज पब्लिक. नेताओं के खिलाफ कितनी चीजें बोलते हैं वो लोग न्यूज वाले, हम भी डिस्कस करते हैं, तो क्या हमारे पर डेफेमेशन का केस आ जाएगा? नहीं. हमारा मानना है कि हमें ये वाले पार्टी अच्छी लगती है, हमें ये वाली पार्टी नहीं अच्छी लगती, ये वाली पार्टी क्यों नहीं अच्छी लगती वो भी हमने बता दिया, तो इसको हम डेफेमेशन नहीं बोलेंगे.
फिर देखो पब्लिश पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ अ कोर्ट, ये पता है कोर्ट में कितनी सारी प्रोसीडिंग्स चलती हैं, उसमें से अगर कोई एक ऑर्डर में कुछ पब्लिकेशन आ गया है तो उसको हम डेफामेशन नहीं बोलेंगे. इट इज नॉट डेफामेशन टू पब्लिश सब्सटेंशियली ट्रू रिपोर्ट ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस और रिजल्ट ऑफ सच प्रोसीडिंग, वहां मार्क करो ट्रू रिपोर्ट. मैंने एक केस मार्क किया, इसमें आरोही हत्या केस हुआ था जिसमें लोग बोल रहे थे कि उसके पेरेंट्स ने मारा होगा या फिर उसके सर्वेंट ने मारा होगा, उसके तलवार करके एक मूवी भी आई थी इसको लेके. अब इतना कुछ उन्होंने न्यूज में पब्लिश किया, जब फाइनल वर्डिक्ट भी आ गया था तभी भी उन्होंने पब्लिश किया था, प्रोसीडिंग्स जब चल रही थी तभी भी न्यूज में आता जा रहा था कि आज ये पता चल रहा है, आज की हियरिंग में ये पता चल रहा है, तो वो ट्रू रिपोर्ट दे रहे थे कि एक्चुअल में प्रोसीडिंग्स में क्या हो रहा है, तो इसको हम डेफामेशन में नहीं कवर करेंगे. ठीक है, ये कितने हो गए, फोर्थ. पहला वाला इम्प्यूटेशन ऑफ ट्रुथ, दूसरा वाला पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, तीसरा वाला कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन, ये नहीं देखा ना हमने. इट इज नॉट डेफामेशन टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ एनी ओपिनियन वॉट एवर रिस्पेक्टिंग द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन या टचिंग अ पब्लिक क्वेश्चन रिस्पेक्टिंग हिज कैरेक्टर सो एज टू हिज कैरेक्टर अपियर्स इन कंडक्ट एंड नो फर्दर. ताली मूवी देखी है, ट्रांसजेंडर को लेके आई थी मूवी, नहीं सीरीज, सॉरी. ठीक है, अब ट्रांसजेंडर को लेके अगर लोग क्वेश्चंस उठाने लग जाए, दिस इज अ पब्लिक क्वेश्चन, अवेयरनेस दे रहे हैं, कुछ लोग इस चीज को नेगेटिव लेंगे कि हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, कुछ लोग इसको पॉजिटिवली लेंगे कि हाँ दे आर पार्ट ऑफ अस, अब ये ओपिनियन पुट करना डेफामेशन नहीं है. ठीक है, अब आ जाओ फिफ्थ, मेरिट्स ऑफ द केस डिसाइडेड इन कोर्ट और कंडक्ट ऑफ विटनेस एंड अदर कंसर्न. दो चीजें, मेरिट्स ऑफ द केस मतलब जिन जिन बातों पे हमने कोर्ट ने कोई बात डिसाइड करी है, ठीक है, और कंडक्ट ऑफ विटनेस, विटनेस ने आके जो जो सच बातें बोली है कटघरे में उसको हम डेफामेशन नहीं बोलेंगे. हर जगह उन्होंने लिखा है इट इज नॉट अ डेफामेशन टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ एनी ओपिनियन वॉट एवर रिस्पेक्टिंग द मेरिट्स ऑफ एनी केस सिविल और क्रिमिनल विच हैज बीन डिसाइडेड बाय द कोर्ट ऑफ जस्टिस रिस्पेक्टिंग द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन एज अ पार्टी विटनेस और एजेंट इन एनी केस. मतलब उन लोगों ने जो जो बातें बोली है वो डेफामेशन में कवर नहीं होंगी. ठीक है, फिर मेरिट्स ऑफ पब्लिक परफॉर्मेंस, ये तो हमें पता है भाई मूवी आई है, अपने अपने ओपिनियन है, तुमको अच्छी लगी, जवान देखी किसी ने, देख ली, रिव्यूज मैंने भी बहुत अच्छे सुने. चलो, इट इज नॉट अ डेफामेशन इन गुड फेथ एनी ओपिनियन रिस्पेक्टिंग द मेरिट्स ऑफ एनी परफॉर्मेंस विच इज ऑथर हैज सबमिटेड टू जजमेंट ऑफ द पब्लिक और रिस्पेक्टिंग द कैरेक्टर ऑफ द ऑथर. जिसने बनाई है मूवी उसको बोल रहे हो, उसके कैरेक्टर पे मत जाओ, तो मूवी को रिव्यू कर रहे हो या फिर सॉन्ग को रिव्यू कर रहे हो, उसमें हम डेफामेशन को कवर नहीं करेंगे. वो आपका ओपिनियन है, किसी ने बोला अच्छी है, किसी ने बोला अच्छी नहीं है. Censure, formal order passed in good faith by person having lawful authority over another. Lawful authority किसकी है? जज की है हम पे, ठीक है, अब उसके हिसाब से उसने एक फॉर्मल ऑर्डर पास किया है तो हम उसको डेफामेशन में कवर नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि उसके पास एक अथॉरिटी है, वो अगर उस अथॉरिटी में उस पोजिशन में अपनी ड्यूटी फुलफिल कर रहा है तो उसको हम डेफामेशन में कवर नहीं करेंगे. अनदर एनी अथॉरिटी इधर कंफर्म बाय लॉ और अराइजिंग आउट लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट मेड विद ऑर्डर मेड विद दैट अदर टू पास गुड फेथ एनी फॉर्मल ऑर्डर और कंडक्ट दैट इन अदर मैटर्स इन विच सच लॉफुल अथॉरिटी रिलेट्स. सिर्फ उससे रिलेटेड होगा तो हम डेफामेशन में कवर नहीं करेंगे. एट्थ, फिर से बच्चे फॉर्मल ऑर्डर आते हैं, जज ने अगर बोल दिया कि तुमने क्राइम किया है, जज ने अगर फॉर्मल ऑर्डर में दे दिया कि ये फादर केपेबल नहीं है बच्चे की कस्टडी के लिए, तो उस पर कॉमेंट पास किया, तो ये जो आपने कॉमेंट पास किया ये आपने अपनी जज की पोजीशन में बोला, आप अपनी ड्यूटी फुलफिल कर रहे थे क्योंकि आप जज हो, तो तब हम नहीं बोलेंगे कि आपने उस पर्सन को डिफेम किया. ठीक है, एट्थ पॉइंट, अक्यूजेशन प्रेफर्ड इन गुड फेथ टू ऑथराइज पर्सन. मतलब कि जब भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपनी ड्यूटी फॉलो करते टाइम उनको कोई इन्फॉर्मेशन मिली किसी एक पर्सन की, किसी एक क्राइम सीन में एक पर्सन के बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली जो उन्होंने न्यूज में तुरंत तुरंत रिपोर्ट कर दी, हाँ हम यहाँ आए हैं, हमको ये देखने मिला, वो आदमी ऐसा है, तो आपने अगर कोई चीज एक्चुअल में ट्रूली कुछ बात कही है कि वो पर्सन के बारे में ये चीज, तो उसको हम डेफामेशन में कवर नहीं करेंगे. गुड फेथ, हर जगह वर्ड कवर हो रहा है गुड फेथ, मतलब आपने कोई ऑनेस्ट बात कही होगी तो हम आपको डेफामेशन में कवर नहीं करेंगे. एनी पर्सन टू एनी दो एनी
एनी ऑफ दोज हु हैव लॉफुल अथॉरिटी ओवर दैट पर्सन विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ द अक्यूजेशन. सब्जेक्ट मैटर ऑफ द मतलब सिर्फ और सिर्फ वो क्राइम से रिलेटेड हो, उस क्राइम सीन से रिलेटेड हो, तब हम आपको डिफेम नहीं करेंगे. नाइन्थ, इम्प्यूटेशन मेड इन गुड फेथ बाय द पर्सन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ हिज इंटरेस्ट और अदर इंटरेस्ट. टेंथ वाला कॉशन, मतलब आप कहीं ना कहीं कॉशन एड कर रहे हो कि प्लीज इस सिक्योर इंटेंडेड फॉर अ गुड पर्सन ऑफ अ पर्सन कन्वेड और फॉर पब्लिक गुड. कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप पब्लिक इंटरेस्ट के लिए पब्लिश कर रहे हो कि इससे उनका फायदा हो, वो बच जाएंगे किसी ऐसी चीज से, तो फिर हमें उसे डिफेम करने को नहीं बोले. ठीक है, कितने पॉइंट्स हो गए टोटल? 10. बच्चों याद हो जाएंगे 10 की 10, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. उन्होंने कहीं ना कहीं इलस्ट्रेशन डाले हैं तो तुम्हें भी लिखने हैं. ठीक है, अच्छा, पनिशमेंट ऑफ डेफेमेशन होती है 2 years और फाइन और बोथ, नॉट 3 years. ठीक है, 3 years बस हमने वही पढ़ी थी, थेफ्ट एक्सटॉर्शन में, रॉबरी में नहीं बच्चे, 7 साल. चलो, काइंड्स ऑफ डेफेमेशन हमने किसी और एक्ट में भी पढ़े, लिबल और स्लैंडर. क्या लगता है लिबल और स्लैंडर क्या होते हैं? क्या? हाँ, वो लिबल होता है. और स्लैंडर जो जेस्टर्स या साइंस, ऐसे आपने एक्सप्लेन. तो लिबर मतलब सम परमानेंट और विजिबल फॉर्म सच एज राइटिंग, प्रिंटिंग और पिक्चर्स. स्लैंडर यानी स्पोकन वर्ड्स और इट्स सम अदर ट्रांसफॉर्मेटरी फॉर्म वेदर विजिबल और ऑडिबल और सच एज जेस्टर्स और इनएक्यूलेटर बट सिग्निफिकेंट साउंड्स. ठीक है, प्रिंटिंग और एनग्रेविंग मैटर नोन टू बी डेफिमेटरी. और एक और पॉइंट है, sale of printed and engraved substance contained to defamatory. मतलब किसी ने कोई चीज बोल दी, उसको अगर आपने प्रिंट कर दिया तो उसको भी हम डेफेमेशन में उन सब लोगों को कवर करेंगे जिसने वो प्रिंट कर किया है. कोई ने अगर डेफेमेशन कर दिया उसके बाद आपने बढ़िया प्रिंट करके, मतलब कोई एक्शन है, कोई पिक्चर है, वो प्रिंट करके सबको बेच दिया, तो जिस पर्सन ने सेल किया वो भी डेफेमेटरी मैटर में कवर होता है. ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स एक बार रीड करना. अगर प्रिंटिंग और एनग्रेविंग मैटर होगा तो 2 years और फाइन और बोथ, और अगर सेल ऑफ प्रिंटेड होगा तो भी सेम पनिशमेंट. ठीक है, हाँ, हमें पहले पढ़ना है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी. बच्चों क्या होता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी? षड्यंत्र और प्लानिंग, प्लॉटिंग करना और क्राइम करना. बाहुबली किस किसने देखी है? कितनी बार देखी है? मैंने 5-6 बार देख लिया, पता नहीं क्यों. चलो, बाहुबली में क्या होता है, वो उसकी मॉम को मारने के लिए पूरा षड्यंत्र बनाता है. कैसे बनाता है याद है? उसके जो जो उसके फादर होते हैं जो डिसेबल्ड होते हैं, ठीक है, उस पर्सन के मुझे नाम नहीं याद है, ठीक है, भल्ला देव आई गेस, भल्लाल देव, ठीक है. हाँ, वही 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 वही, ठीक है. अब भल्लाल देव और वो जो अंकल जी हैं जो डिसेबल्ड है, वो दोनों मिलके क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी क्रिएट करते हैं. पहले वो लोग बाहुबली को मरवाते हैं, ठीक है, ऐसे करके उसकी मॉम को बोल के, क्या नाम है उसे, माहेश्वरी, माहेश्वरी तो उसका नाम है ना, शवघामनी, शवघम, ठीक है, ठीक है. अब वो जो देवी है उसको पहले बोलते कि तुम्हारे लिए डेथ वारंट बना दिया है तुम्हारे बेटे ने, तो तुम उसको मरवा दो. तो उसी के हाथों उसके बेटे की डेथ करवाते, वो ऑर्डर देती है उसको, कटप्पा को, ठीक है. ये कहीं ना कहीं कहाँ कवर हो गया? एक क्रिमिनल कौन, क्या वो जो पर्सन है भलाल देव और उसके फादर, उन्होंने क्या किया? प्लानिंग की एक इलीगल एक्ट कराने की, ठीक है. अब वो उन्होंने खुद वो इलीगल एक्ट नहीं किया, पर फिर भी वो एक ऑफेंस है, ठीक है. सेक्शन याद करो 120A और 120B. तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी के एकदम अलग ही सेक्शन है, 120A और 120B तुम्हारे लिए ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है. तो क्या हमें आईपीसी में सेक्शन याद होने चाहिए? हाँ, होने चाहिए, ठीक है. अब व्हेन टू और मोर पर्सन अग्री टू डू और कॉज टू बी डन एन इलीगल एंड इलीगल एक्ट एंड एन एक्ट विच इज नॉट इलीगल बाय इलीगल मीन्स, ठीक है. आपने क्या किया है?
अग्री किया है या फिर ऐसा कोई एक्ट करवाया है या किया है जो इलीगल एक्ट है या फिर एन एक्ट विच इज नॉट इलीगल पर बाय इलीगल मीन्स से आपने किया है. सच अग्रीमेंट इज डेजिग्नेटेड अ क्रिमिनल conspiracy provided that no agreement except an agreement to commit an offence shall amount to criminal conspiracy unless such act besides the agreement is done by one or more parties to such agreement in pursuance thereof. कुछ नहीं, क्या हम इस चीज का agreement बनाते हैं क्या, तू इसको मारने जाएगा sign कर, मैं नहीं ना. तो ये जो agreement है जो आपके spoken words के साथ जो planning हुई हुई, तो जिन जिन लोगों ने planning की है उसमें से कोई एक दो लोगों ने जाके ये act कर दिया तो उनको punishment होती है. Essential ingredients, ingredients देखो, agreement between two or more person. दूसरा agreement to do legal act or do legal act by illegal means. ठीक है, agreement मतलब बच्चे written agreement की बात नहीं हो रही है, agree कर रहे हैं बस, दो तीन लोग मिलके agree कर रहे हैं कि हम जाके उसको मारेंगे. ठीक है, an act should have been done under the agreement. अब जो उसमें आपने बोला है वही आप वो कर रहे हो, written form में नहीं, जो भी आपने बोला है उस form में आप कर रहे हो. Essentials, फिर वही चीज, सेम चीज लिखी हुई है. ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स द पार्टी शुड हैव डन सम ऑब्वियस एक्ट इन फुलफिलमेंट ऑफ दैट अग्रीमेंट. मर्ली एन अग्रीमेंट विल नॉट बी टर्म्ड एज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी. मतलब जो आपने एक्ट किया है उसको हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी में बोल रहे हैं. ऐसे तो हम बहुत सारी चीजें डिसाइड करते हैं, इसको मार देंगे तो हम वहां पे आपको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी के ऑफेंस पे चार्ज नहीं लगाएंगे. जब आपने वो इलीगल एक्ट कर दिया है या इलीगल मीन से वो लीगल एक्ट कर दिया तब आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी में कवर हो जाओगे. बच्चों पनिशमेंट देखो, इफ अ पर्सन कंस्पायर्स टू कमिट एन ऑफेंस विच इज पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म ऑफ 2 years. ये वाली चीज अपन ने देखी है कि जब आप थेफ्ट कर रहे हो अगर आप डेथ तक हो गए तो आपको ये सारी पनिशमेंट हो जाएगी. मतलब सामने वाले को इतना हर्ट कर दिया कि उसकी डेथ हो गई. ही शैल बी पनिश इन द सेम मैनर एज ही हैज अबेटेड सच offense. In simple words, the punishment of criminal conspiracy same if a conspirator has abated or assisted the offense. चाहे आप उस टीम में आपने उसको असिस्ट किया हो या वो एक्शन आपने कर दिया, तो वो पनिशमेंट जो भी आपने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंस किया है मिला के मिलजुल के आपने इलीगल एक्ट कुछ भी थेफ्ट की हो, एक्सटॉर्शन की हो, रॉबरी की हो, मारा हो किसी को, मर्डर किया हो, रेप किया हो, कुछ भी किया हो, कहां कवर होता है 120 और 120B. तो आपकी पनिशमेंट उस एक्ट के हिसाब से लगेगी, वेदर इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ, 7 years, 10 years, जो भी उस एक्ट की पनिशमेंट होगी. इफ अ पर्सन कंस्पायर्स टू कमिट एन ऑफेंस अदर देन अबव ही शैल बी पनिश अप टू 6 months और फाइन. फिर आपने अगर इसे छोटे मोटे एक्ट किए जो कहीं पे भी डिफाइंड नहीं हो, तो आपने जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी करके क्राइम किया है तो 6 months और फाइन और बोथ. ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी. छोटा सा टॉपिक था, सेक्शन कौन सा हो गया, 120A और 120B. कोई भी इलीगल एक्ट या फिर लीगल एक्ट विद इलीगल मीन्स. और एक और अग्रीमेंट है, एक और चीज है कि टू और मोर के बीच में ये अग्रीमेंट होता है. कोई एक पर्सन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी नहीं करता, दो तीन लोग मिलके क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी करते हैं. ठीक है, पनिशमेंट कैसी, एज डिफाइंड एज द कॉन्स्पिरेटेड हैज डन दैट एक्ट. अब आज जो तुम्हारा टॉपिक कौन सा है, वैसी पनिशमेंट. मुझे बोलना ये देने के लिए, ठीक है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, फ्रॉडलेंट डीड्स एंड डिस्पोजिशन और डेफिमेशन. तो मैंने उसी से पढ़ाया है मॉड्यूल से, वो एक्सेप्शंस नहीं है तो वो तो मैंने उसी से पढ़ाया ना मॉड्यूल से, वो फ्रॉडलेंट डीड्स ना, वही मैं कह रही हूँ डेफिमेशन. अच्छा, डिस्पोजिशन ऑफ वर्क. ठीक है, चलो अब मिसलेनियस देखते हैं. मिसलेनियस में पहले वो जो मैंने अभी बताया ना, प्रिज्यूम किया जाता है जब तक पर्सन प्रूफ नहीं हो जाता तब तक वो क्या होता है, अक्यूज्ड होता है. बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आता है, जो पर्सन एक्शन ले रहा है. ठीक है, जनरल एक्सेप्शन, आईपीसी आल्सो प्रोवाइड्स फॉर जनरल एक्सेप्शन फॉर अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग ऑफेंस अंडर कोर्ट टू प्लीड हिज डिफेंस. जनरल एक्सेप्शन टू क्रिमिनल लाइबिलिटी, देयर विल बी एब्सेंस ऑफ मेंस रिया. जनरल एक्सेप्शन क्या लग रहा है, क्या होगा कि आपने ऐसे कोई काम किया है जो मर्डर है, डेथ है, किसी को हार्म किया है, लेकिन फिर भी आपको कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं हो. क्यों? क्योंकि एब्सेंस ऑफ मेंस रिया है. ठीक है, मतलब अगर रिलेक्टनेस आई तो पनिशमेंट होगी, लेकिन अगर रिलेक्टनेसनेस नहीं है, बस एक आपने अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए एक्शन लिया या अपने आपको सेव करने के लिए आपने कोई एक्शन लिया, तो हम आपको क्रिमिनल लाइबिलिटी में कवर नहीं करेंगे. देखो 18 है ये,
ठीक है, 18 है तुम्हारे लिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये, 20 है ठीक है, इसमें 18 ही है। चलो, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट सेक्शन 76, इसमें सेक्शन नहीं भी याद हुए तो चलेगा। अ पर्सन विल नॉट बी गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस इफ कमिट एनी एक्ट व्हिच इज बाउंड टू डू मिस्टेकनली बिलीव्स इन गुड फेथ दैट ही इज बाउंड बाय द लॉ टू डू। मतलब कि आपकी कोई ड्यूटी आपको परफॉर्म करनी थी, वो बाउंड टू डू दैट एक्ट, तो आपको क्रिमिनल लाइबिलिटी कवर नहीं होगी। जैसे सोल्जर्स, ठीक है, अब सोल्जर वॉर करते टाइम किसी को मारेंगे तो क्या क्रिमिनल एक्शन है? नहीं है। एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ब्रिंग्स एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट टू अरेस्ट वाई आफ्टर द ड्यू इंजरी अरेस्टेड जेड बिलीविंग इट टू वाई ए हैज पुलिस ऑफिसर्स मारते हैं जेल के अंदर, तो उनकी ड्यूटी है इज बाउंड टू डू दैट थिंग अंडर अ लॉ, तो क्या उसको उसको भी जेल में डाल दोगे क्या तुमने इसको मारा है? नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो गया, मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स, जिसमें हम किसी को गिल्टी नहीं करेंगे जब वो कोई भी ऐसी काम कर रहा है विच इज ही इज बाउंड टू डू अंडर एनी लॉ। ठीक है, एक और मिस्टेक ऑफ फैक्ट है जिसमें लिखा है जस्टिफाइड बाय लॉ। अभी तक तो आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे, अब ऐसी कांड कर रहे हो जो लॉ में जस्टिफाइड है। ठीक है, अ पर्सन विल नॉट बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस विच इज जस्टिफाइड टू डू या मिस्टेकनली बिलीव इन गुड फेथ वी इज जस्टिफाइड। रोड पे चल रही है, लड़कियां छेड़ दिया, किसी और पर्सन ने लड़की को बचाने के लिए उस लड़के को मारा, ही इज जस्टिफाइड टू डू दैट थिंग बाय लॉ। ठीक है, तो इस केस में हम उसको उसके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं करेंगे। ठीक है, एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, अब जज के एक्ट्स को हम नहीं कवर करेंगे क्रिमिनल लाइबिलिटी। जज ने अगर आपको फांसी की सजा दे दी तो जज को हम नहीं बोलेंगे कि तुमने किसी को मारने की क्रिमिनल कॉन्स्परेंसी बनाई है। ठीक है, तुमने अपने जज वाली पोजीशन में जुडिशियल ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए वो वाली सजा बोली है, मतलब इम्प्रिजमेंट ऑफ डेथ दे दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने उसका मर्डर करने के लिए क्वेश्चन किया। इफ जज इन हिज अथॉरिटी इन गुड फेथ बिलीविंग ऑथराइज्ड बाय लॉ कमिट्स एनी एक्ट नो ऑफेंस इज अट्रैक्टेड, देयरफॉर दिस सेक्शन प्रोटेक्ट्स द जज इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्ट्स डन जुडिशियली एंड इन गुड फेथ। एक्ट डन पर्सुएंट टू जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। अब क्या होता है बच्चों कि जज ने जो बोल दिया, वो जज तो जाके उसको फांसी पे लगाता नहीं है, उनके लोग हैं जो जो लीगल कोर्ट में काम करते हैं या फिर जेलर ही लगाते हैं। तो अब जब जो जज ने बोला है वो चीज जो जो परफॉर्म करेंगे उनको भी हम क्रिमिनल ऑफेंस में कवर नहीं करेंगे, इसलिए बोल रहे एक्ट डन पर्सुएंट टू जजमेंट। जजमेंट में बोल दिया इसको जेल में डालो, इसको जेल जाके इतना मारो, इससे क्वेश्चन निकालो, जजमेंट में बोल दिया इसको इम्प्रिजमेंट ऑफ डेथ होगी, तो जिस पर्सन ने उसको फांसी दी है उसको भी हम क्रिमिनल ऑफेंस में कवर नहीं करेंगे। व्हेन ही एक्ट इज कमिटेड ऑन जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस व्हिच इज इन फोर्स इट इज नो ऑफेंस इवन इफ द जजमेंट और ऑर्डर इज विदाउट एनी ज्यूरिसडिक्शन दो द पर्सन हु एग्जीक्यूट्स द जजमेंट और मस्ट बिलीव दैट कोर्ट हैज ज्यूरिसडिक्शन। इसमें ऐसा क्यों लिखा है विदाउट एनी ज्यूरिसडिक्शन? मतलब ऐसी चीज जज नहीं बोल सकता, कोई ऐसी पनिशमेंट, सपोज कोई एक जज सिविल कोर्ट है, हमने सबऑर्डिनेट कोर्ट में कोई ऐसी बड़ी पनिशमेंट नहीं दे दी जो वो नहीं दे सकते, पर वो मैटर ऐसा था कि उनने रिजॉल्व किया और उनने वो पनिशमेंट दी, उसके बाद आपको अपील करनी आप कर सकते। तो हम ये बोल रहे हैं कोर्ट के पास इस केस को लेके ज्यूरिसडिक्शन था लेकिन ये पनिशमेंट को लेके ज्यूरिसडिक्शन नहीं था, तो उसका वो बोली हुई चीज को भी हम क्रिमिनल ऑफेंस में कवर नहीं करेंगे, और उसके बोलने के बाद जो जो वो एक्शंस दूसरे लोग लेंगे जजमेंट को फॉलो करके उनको भी हम नहीं बोलेंगे कि उसने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया। अब जब प्रॉपर्टी का केस होता है वो बोलते हैं उसके घर में ताला लगा दो, उसके घर वालों को बाहर निकालो, वो घर बंद रहेगा, वो प्रॉपर्टी इसकी है, तो ये एक्शंस जो ऑफिसर्स करेंगे तो इनको हम क्रिमिनल ऑफेंस में कवर नहीं करेंगे, जनरल एक्सेप्शंस है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में उन्होंने वो चीज एक्सप्लेन की हुई है। अब एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट सेक्शन 80, इफ वन कमिट्स एन ऑफेंस बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून विदाउट मैलिफाइड विदाउट नॉलेज इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज लीगल ड्यूटी इन लीगल मैनर विद प्रॉपर केयर एंड कॉशंस इज पुलिस ऑफिसर ने अगर अपने बचाव में या किसी और के बचाव में गोली चला दी तो हम बोलेंगे उसने कोई क्राइम नहीं किया है। देखो जैसे इसमें एग्जाम्पल है, भानु इज एट वर्क विद एन एक्स, एक्स मतलब वही कुल्हाड़ी, बैड एट ड्रॉइंग। ठीक है, अब इसने क्या किया, द हेड ऑफ एक्सेस फाइल्स ऑफ एंड किल्स अ मैन हु इज स्टैंडिंग नियर बाय। मारते टाइम किसी और, बहुत ही गंदा एग्जाम्पल है, मारते टाइम किसी और बंदे के सर पे लग गया एक्स। ठीक है,
भानु विल नॉट बी पनिश्ड एंड द एक्ट विल नॉट बी ट्रीटेड एन ऑफेंस इफ भानु टुक प्रॉपर केयर बट स्टिल एक्टेड हैपेंड एक्सीडेंटली. ये क्या हुआ, ये यहाँ पे क्या बोल रहे हो इसको हिंदी में, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी से ये जो भी बिल्डिंग वगैरह तोड़ रहा था, अब तोड़ रहा था उसको क्या पता कि नीचे कोई आदमी खड़ा है, कुछ भी कर रहा हो, कुल्हाड़ी से क्या तोड़ते हैं, लकड़ी काट रहा था, ठीक है. अब उसको नहीं पता कोई एक पर्सन वहां पे खड़ा है, उसने उसको मारते मारते वो प्रॉपरली कर रहा था पर किसी और के सर में लग गई, तो उसने, हमने बोलेंगे उसने कुछ भी नहीं किया, एक्सीडेंटली हुआ, अगर उसने प्रॉपर केयर वगैरह ली होगी तो. ऑफकोर्स वो एक्शन तो लेगा ही जिसको लगी है, लेकिन यहाँ पे भानु बच सकता है जब वो ये चीज प्रूफ कर देगा कि मैं प्रॉपर केयर और रीजनेबल केयर में काम कर रहा था. दूसरा वाला वही है, टेक्स अप अ गन नॉट नोइंग वेदर इट इज लोडेड और नॉट, पॉइंट्स इन द स्पोर्ट्स एट दुखी राम एंड पुल्स द ट्रिगर, दुखी राम डाइज, शर्मीली कैन नॉट टेक प्रोटेक्शन किलिंग दुखी राम एक्सीडेंटली एज द लैक ऑफ प्रॉपर केयर. ये उल्टा केस है, अब तुम्हें पता था तुम्हारे जेब में बंदूक है, क्यों खेल रहे थे, चला दी तुमने ऐसे ही, तो यहाँ पे तुमने प्रॉपर केयर नहीं की, ऐसे गन जैसी चीज से खेलना नहीं चाहिए, तो तुम पे एक्शन लिया जा सकता है. तो मतलब फर्स्ट वाला क्या हो गया, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, दूसरा वाला मिस्टेक ऑफ फैक्ट बट जस्टिफाइड बाय लॉ, तो फर्स्ट वाले में बाउंड टू डू एनी एक्ट अंडर एनी लॉ, दूसरा जस्टिफाइड बाय लॉ, तीसरा एक्ट ऑफ जज और एक्टिंग जुडिशियली, फिर यही लोग जो जज के अंडर काम करते हैं, तो पर्सुएंट टू जजमेंट जो भी एक्ट होंगे उनको भी हम नहीं बोलेंगे क्रिमिनल ऑफेंस है, एक्सीडेंट इज डूइंग एनी लॉफुल एक्ट, ठीक है. अब सिक्स्थ, एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म. अब क्या हो गया, आपने क्या किया, किसी और को हार्म तो पहुंचाया है बट डन विदाउट, आपको किसी को मारने की इंटेंशन नहीं थी बल्कि प्रिवेंट करने थे अदर हार्म से. देखो आग लगती है एक घर में, ठीक है, ऐसे बहुत सारे घर बने झोपड़पट्टी टाइप्स, अब मैं फायर भी बनाऊंगी, ठीक है, ये फायर हो गई इधर, अब क्या हुआ, इधर लगी है, इधर भी लगेगी, इधर भी लगेगी, सब घरों में लगेगी, हमने क्या किया, जैसे इधर आग आई हमने ये घर को तोड़ दिया, पूरा खत्म कर दिया कि आगे आगे आग नहीं आए, तो हमने एक हार्म किया लेकिन हमारा क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था, बड़े हार्म को बचाने के लिए हमने वो चीज करी, ठीक है. एनी एक्ट डन बाय एनी वन विच मे कॉज हार्म बट इट इज डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट फॉर सेविंग और प्रिवेंटिंग द हार्म टू थर्ड पर्सन प्रॉपर्टी इन गुड फेथ इज नो ऑफेंस, ठीक है. एग्जाम्पल देखो, ए सीज ग्रेट फायर, अवॉइडिंग द स्प्रेडिंग द फायर द सेव ह्यूमन एंड ही पुल्स डाउन एंड डिस्ट्रॉय द स्टेबल विद कॉट फायर, ठीक है. लोगों को बचाने के लिए उसने अगर कोई चीज खराब कर भी दी या किसी और एक पर्सन को मार दिया. इसमें एक और केस था, एक्चुअली ये केस था, एक बड़ी शिप थी, अरे नहीं नहीं सिखा पाऊंगी मैं अपने बच्चों को ड्राइंग कभी भी, ठीक है. शिप थी एक और एक छोटी शिप थी, इसमें दो लोग थे और इसमें हजार लोग थे ऐसे, ठीक है. अब आप बहुत सारी लहर आ रही है, बहुत सारी लहर आ रही है, अब इस शिप को बचाने के लिए इस शिप को डूबना पड़ेगा, तो आप जो सेलर है, ऑफिसर्स है, ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, एक हार्म अगर कर भी देंगे तो उससे हजारों की जान बचेगी, तो वो हार्म को हम नहीं बोलेंगे कि वो क्रिमिनल ऑफेंस है, इन दोनों के फैमिली मेंबर्स एक्शन नहीं ले सकते, ठीक है, नहीं बचा सकते अपन उनको. अब एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स, 7 साल से छोटा बच्चा अगर किसी को मार दे तो वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, ठीक है. क्यों ऐसे, अमृता है 7 साल से छोटा हाँ उसमें अकल नहीं है, ऐसे अनसाउंड माइंड में नहीं है, ऐसे दारू पीते इंसान में नहीं है. इफ एनी चाइल्ड हु इज बिलो, तुम भी हो 7 ईयर्स से छोटी, मैं 18 ईयर्स की If any child who is below 7 years of age commits an offence, he is not guilty because it is presumption of law that the child is below 7 is incapable of any criminal intention. 7 साल के बच्चा किसी को मारने जैसा सोच ही नहीं सकता as per IPC, इसलिए उस पर कभी भी कोई criminal liability नहीं आएगी. अंशिका तुम कितने साल की हो, 2. The act of child above 7 under 12 of immature understanding. If a child between 7 और 12, इसमें भी हम बोल रहे हैं कि जो 7 साल से
12 साल के लोग हैं, who has not attained sufficient maturity of what is wrong or right at the time of commission offence is not liable to be coming. बच्चों जब 12 साल का बच्चा अगर कोई कांड करता है तो वो इस एक्सेप्शन में कवर तो होगा ही होगा कि 7 से 12 की भी हम मेच्योरिटी इतनी नहीं देख सकते, लेकिन उसको हम देखेंगे कि क्या वो इतना मेच्योर है, क्या उसमें इतनी समझ है. आज भी हम कुछ बच्चों को देखते वाह इतना समझदार, इतने बड़े हो गए. होते वो छोटे हैं लेकिन कई बार उनकी समझ ज्यादा होती है, तो हम तब उनकी मेच्योरिटी चेक करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि वो ऑफेंसिव है कि नहीं है. मतलब उन्होंने क्रिमिनल जो ऑफेंस किया है वो जनरल एक्सेप्शन में कवर होगा कि क्रिमिनल लायबिलिटी में. ठीक है, ठीक है. 6 इयर्स का बच्चा, नम्रता जितना. हाँ, कि उसने किया, फैक्ट है, परफेक्ट है. ये केस है. अभी क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आएंगे, वो बच्चे को इतना हार्म नहीं करेंगे पर बच्चे से भी एक ट्रीट, बच्चे को भी एक ट्रीट करने का देयर इज अ थिंग. उससे उगलवा सकते हैं कि तुम्हें किसने बोला मारने के लिए, हाउ डू यू गेट द गन या नाइफ, इंटायर थिंग. ऐसे नहीं बच्चे को हम छोड़ देंगे, वर्दी में ना आके कैजुअल कपड़ों में भी उनको अलाउड है कि वो उससे आके क्वेश्चंस कर सकते हैं. अगर पकड़ा जाता है कि हाँ उसके फादर ने उससे कराया था तो उसके फादर लाइबल रहेंगे. अगर ये नहीं पकड़ा गया तो वो भी बच गए, उसके फादर भी बच गए. तो उनको हम जेल नहीं ले जा सकते, उनको हम कोर्ट नहीं लेके जा सकते. फिर वो ऐसी जगह पे लेके जाएंगे जो रिहैब वाले, वहां पे उनको लेके जा सकते हैं. अगर उनकी जैसे 7 और 12 वाले बच्चे, 7 के नीचे तो हम कुछ भी नहीं करेंगे. जो 7 और 12 के बीच में अगर हमने देख लिया कि हाँ यार ये इतना मेच्योर है, 11 साल के बच्चे को इतनी अकल है कि गोली मार के मैं इसको मार सकता हूँ और ये मर जाएगा, अब उस बच्चे को हम रिहैब में जरूर डालेंगे. जेल या कोर्ट कचहरी वाली चीजें नहीं दिखाएंगे. ये बिलो 16 भी हम कवर करते हैं. 18 था पहले, अब 16 हो गया. 16 के बाद लोग समझदार माने गए. अब अनसाउंड माइंड, नथिंग डन बाय एनी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज एन ऑफेंस एट द टाइम ऑफ डूइंग इट. अब जो पागल इंसान है उसने अगर कुछ कर दिया तो हम आयुष ने अगर कुछ कर दिया तो हम कभी नहीं बोलेंगे कि उसने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया है. क्यों? क्योंकि वो अनसाउंड माइंड था. नेक्स्ट देखो, इंटॉक्सिकेशन. इंटॉक्सिकेशन मतलब दारू पिया हुआ आदमी. अब इसमें एक बात बताओ कि दारू पिया आदमी अगर कोई एक्शन कर देता है तो क्यों उसको क्रिमिनल ऑफेंस नहीं करेंगे हम? क्योंकि उसको होश नहीं था. पर कई बार आपको पता है कि आप ऐसी जगह जा रहे हो जहां आप बहुत सारी दारू पीने वाले हो, तो अपनी सेफ्टी के लिए ऐसी चीजें, ऐसी हार्मफुल चीजें अपने पॉकेट्स में या फिर अपने इन एंड अराउंड मत रखो. तब अगर आपने एक्शन लिया है, मतलब आपने कोई ऑफेंस किया है, तो आप लायबल रहोगे. ठीक है, देखो अनसाउंड माइंड में लिखा है कि इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट एंड दैट ही हैज डन और डूइंग इज रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी बाय लॉ. क्योंकि उसको समझ ही नहीं है उसने क्या किया, तो हम उस पर क्या ही क्रिमिनल एक्शन लेंगे. इंटॉक्सिकेशन में बेसिकली एक्ट डन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ हैवी इंटॉक्सिकेशन अ डिफेंस टू द रॉन्ग डूअर एंड इफ वॉज इंटॉक्सिकेशन विदाउट हिज नॉलेज और कंसेंट दैट इज नॉट वॉलेंटरी. मतलब ये बस बता रहे हैं कि आप इस जगह से बच सकते हो कि जज साहब मैं तो पिया हुआ था, मैंने तो बहुत पी रखी थी, इसलिए मेरे को आप क्रिमिनल लाइबिलिटी मत लगाओ. दूसरा, मैंने वॉलेंटरी नहीं पिया है, मुझे खूब सारा पिलाई, मैंने पी नहीं है, मुझे पिलाई गई है. ठीक है, अब तब भी आप बच सकते हो कि आपने वॉलेंटरी इतनी सारी दारू नहीं पी थी, आपको मिलाकर पिलाई गई थी. एक इसमें केस लॉ है, देखो वासुदेव वर्सेस स्टेट, बड़ा अच्छा केस है. द अक्यूज वॉज अटेंडिंग अ मैरिज पार्टी. ठीक है, अब तुम शादी में जा रहे हो, ठीक है, इन विच ही ड्रैंक लिकर हेवेली. तुमको पता था तुम शादी में जा रहे हो, वहां कॉकटेल पार्टी होगी, दारू होगी, तुमने क्या की, बहुत सारी दारू. ही वॉन्टेड टू सिट इन अ चेयर इन विच अ बॉय ऑलरेडी सैट. द अक्यूज्ड आस्क्ड हिम टू स्टैंड सो दैट ही कैन सिट. तुम लोग इमेजिन कर रहे हो ना. द बॉय रिफ्यूज्ड ड्यू टू विच द अक्यूज्ड बिकेम अनॉयड. नहीं उठेगा, नहीं उठेगा, गोली मार दी. शॉट द बॉय विथ हिज pistol. The boy died on spot. Thereafter, the accused walked to police station, surrendered him. The accused pleaded that he was heavily in. इससे आप बच नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें पता था कि तुम पिस्तौल लेके जा रहे हो, वहां बहुत सारी दारू पियोगे, तुम ऐसे काम करोगे, तो तुम इस एक्सेप्शन में बच नहीं सकते. ठीक है, द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो कन्विक्ट द कन्विक्शन. मतलब उसको जेल होगी. ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड.
similar to the above case. In cases where an act done is not an offence unless done for a particular knowledge or intent, a person who does the act in state of intoxication shall be liable to death which he had. Same जो example है ना बच्चों, ये वाला वो इसमें एप्लीकेबल एक्चुअली. जब आपको नॉलेज था कि आप ऐसी चीजें कैरी कर रहे हो जिससे शायद आप कोई क्रिमिनल ऑफेंस कमिट कर दोगे और आप फिर बोल दो कि इंटॉक्सिकेशन हुआ है तो हम आपको लाइबल ठहराएंगे, हम एक्सेप्शन में कवर नहीं करेंगे. जो ये वाला केस लॉ है वो नीचे वाले के लिए. ऊपर वाले में बस बोल दिया कि क्लियरली बता दो कि वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन नहीं हुआ है. अब एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट, मतलब आपने किसी को हार्म पहुंचाया विद कंसेंट. हार्म कॉज विद कंसेंट ऑफ द सफरर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस. एग्जाम्पल देखो, भीम और कालिया थे, अग्री टू पार्टिसिपेट इन स्वॉर्ड कॉम्पिटिशन विद ईच अदर. जब भी तुम कोई ऐसे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हो, तुमसे एक फॉर्म साइन कराया जाता है, ठीक है. तुमने कभी बंजी जंपिंग और ये सब किया है? किया नहीं, सिर्फ देखा है. जब भी आप ये सब काम करा जाते हो, आपसे फॉर्म साइन होता है कि अगर आप गिर गए मर गए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. पैसे भी वो ले लेते हैं, जान भी वो ले लेते हैं, ठीक है. अब इन केसेस में क्या हो रहा है कि आपकी कंसेंट है कि आपको अगर हार्म होगा हर्ट होगा तो हम इसके लिए लाइबल नहीं रहेंगे, तो हम क्रिमिनल ऑफेंस उसको मानेंगे ही नहीं. ऐसी स्वॉर्ड कॉम्पिटिशन था, आप तलवार का कॉम्पिटिशन करोगे, किसी को लग गया, गला कट गया, तो तुम वही मर जाओगे ना. तो तुम्हारी कंसेंट ली थी, इस कॉम्पिटिशन में पार्ट कर रहे हो, तुम्हें कुछ हो गया तो फिर हम उसके लिए लाइबल नहीं रहेंगे, ठीक है. Act intended to cause death done by consent in good faith for the person benefit. Doctors consent लेते हैं. Operation करते time आदमी मर गया तो क्या doctors के against case कर सकते हैं? नहीं, वो पहले ही आपसे sign कराते हैं. इंसान मर रहा हो पर पहले उनको form sign होना चाहिए, ठीक है. वो case ये है. Act not intended to cause death. आपका intention नहीं था किसी आदमी को death के लिए, पर आप उसके benefit के लिए operation करने गए और वो मर गया, उसकी आपने पहले से ही consent ले रखी है, ठीक है. देखो सर्जन वाला एग्जाम्पल दिया है. अब जो फर्स्ट वाला है उसमें दो चीजें कवर होती है. अ पर्सन इज द बेस्ट जज ऑफ हिज ओन इंटरेस्ट. अ पर्सन विल नॉट कंसेंट टू एनीथिंग व्हिच ही थिंक्स इज हार्मफुल टू हिमसेल्फ. मतलब हमारा इंटरेस्ट हमारे हाथ में, बेस्ट इंटरेस्ट अपनी जान के लिए हम हमेशा पहले प्रेफरेंस देंगे, और दूसरा हम कभी भी अपने हार्मफुल इंटरेस्ट के लिए कहीं पे भी कंसेंट नहीं देंगे. इसलिए हम कंसेंट लेके आपसे वो एक्शन करा रहे हैं तो हमें लायबल मत ठहराओ. इसमें दो कंडीशंस हैं. द एक्ट वाज डन इन गुड फेथ टू अ बेनिफिट अ पर्सन. कंसेंट वेदर एक्सप्रेस और इंप्लाइड टू सफर द हार्म हैज बीन टेकन. मतलब कि जो डॉक्टर है अगर गुड फेथ में काम करेगा तो हम उसको क्रिमिनल ऑफेंस नहीं देंगे, ठीक है. On consent of guardian, if act done in good faith to it, anything done by the third person will not an offence provided that it is done in good faith for the benefit of child under 12th age or person of unsound mind with the consent of his guardian. मतलब 7 साल के बच्चे क्या ही consent देगा ना कि हाँ कर दो, हाँ मैं competition, उसके लिए आपको किसकी consent चाहिए? उसके guardian. ऐसी 12 साल under 12 वाले बच्चों के लिए उसकी guardian की consent आएगी, फिर वो अगर action कर रहे हैं तो फिर उसके लिए हम लाइबल नहीं है. द कंसेंट, अच्छा इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज, व्हेन द कंसेंट इज गिवन अंडर सेक्शन 87, 88 और 89, तीनों में कंसेंट ही डॉक्टर से, फिर स्वॉर्ड कॉम्पिटिशन और फिर ये गार्जियन से, इज नॉट वैलिड. द कंसेंट इज नॉट वैलिड इफ द कंसेंट इज गिवन अंडर फियर ऑफ इंजरी, इफ द कंसेंट गिवन बाय पर्सन टू हूम फ्रॉम अनसाउंड माइंड और इंटॉक्सिकेशन इज अनएबल टू अंडरस्टैंड द नेचर. मतलब जिसने कंसेंट दिया वो खुद अनसाउंड माइंड है या फिर दारू पिया हुआ है, तो हम उसकी कंसेंट को वैलिड नहीं मानेंगे, आपके अगेंस्ट क्रिमिनल ऑफेंस हो सकता है. द कंसेंट गिवन द पर्सन हु इज अंडर 12 ईयर एज, तो बच्चे की भी कंसेंट हम नहीं मानेंगे. अगर वो बोल दो कि फॉर्म बच्चे ने साइन किया था और वो कंपटीशन में उतरा है या उसको बंजी जंपिंग करनी है, तो आप लायबल रहोगे, उसके गार्जियन का साइन होना चाहिए. अच्छा अब आ गया एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन विदाउट कंसेंट. अब क्या होता है बच्चों, एक्सीडेंट हो गया, आप उसको हॉस्पिटल ले गए, तो क्या वो कंसेंट देने के लिए है? अभी उसके कोई गार्जियन है? नहीं है. पर गुड फेथ में अगर कोई एक्शन किया और फिर भी वो मर गया, तो उसमें आप क्रिमिनल ऑफेंस क्रिएट नहीं कर सकते. Nothing is an offence by reason of any harm which may cause to a person for whose benefit it is done in good faith. आप उसको उठा के क्यों ले गए कि शायद बच जाए, तो आपके अगेंस्ट हम क्रिमिनल ऑफेंस नहीं करेंगे. डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन क्यों किया कि शायद बच जाए, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, इतना ब्लड निकला है. पर तभी भी क्या होगा कि अगर वो नहीं बचा पाए तो हम डॉक्टर के अगेंस्ट भी एक्शन नहीं लेंगे. कम्युनिकेशन मेड इन
गुड फेथ. अ सर्जन, ए अ सर्जन इन गुड फेथ कम्युनिकेट्स टू पेशेंट दैट हिज ओपिनियन कैन नॉट लिव. अब अगर डॉक्टर ने बोल दिया आपके पास सिर्फ 4 दिन की जिंदगी है, इसके बाद आप नहीं बच सकते, अब वो शॉक में मर गया, तो डॉक्टर ने तो गुड फेथ में बोलता है आप किसी को लाए हैं, आपके साथ ऐसा हो गया, आपको ये बीमारी है. अब उस सिचुएशन में आपने कम्युनिकेशन गुड फेथ में कि उसको शॉक हो गया, तो उसके लिए आप हमारे अगेंस्ट क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं दे सकते. नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म टू पर्सन टू हुम इट इज मेड इफ इट इज मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन. हम मम्मी को नहीं बचा पाए, ये सब जो डायलॉग्स आते हैं वो सब कहाँ से हैं कि कम्युनिकेशन इन गुड फेथ, इसमें आप क्रिमिनल ऑफेंस नहीं दे सकते. एक्ट टू विच पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट्स, मतलब अगर आपको कोई डरा धमका रहा है और फिर आपने उसके अगेंस्ट एक्शन लिया है, तो जनरल एक्सेप्शन में कवर होगा, आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है. इज गिल्टी ऑफ दैट, विल नॉट गिल्टी ऑफ दैट ऑफेंस, मतलब अपने बचाव में अगर कर रहे हो तो. This protection is not available in case of offense of murder, offense state punishable with death, या फिर person under threat have put himself under a situation. मतलब कि जब आपको कोई threat डरा रहा है, उसके against में आपने क्या किया, उस person को मार दिया, या ऐसे actions ले लिए जो imprisonment of death होगी, या फिर ऐसे action जिसमें आप ऐसी situation में create हो गए, तो हम इसको consider जरूर करेंगे court में, आपको general exception में छोड़ नहीं देंगे, क्योंकि हम एक पर्सन दूसरे पर्सन को डरा रहा है, ठीक है. अब डरा ही रहा है ना, तुमको मार तो रहा नहीं है, तुमने क्या किया, इसको मार दिया, तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं जनरल एक्सेप्शन में, लेकिन कंसिडर जरूर करेंगे कि तुमने कोई ऑफेंस किया है. कंपैरेटिवली इससे तो बड़ा ही ऑफेंस है, तुमने अपने बचाव में किया, पर तुम कोर्ट में आओ, फिर हम डिसाइड करेंगे तुमको जनरल एक्सेप्शन में छोड़ना है कि तुमको एक्चुअली तुमको भी जेल होनी है. एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, छोटे मोटे हार्म के लिए यार प्लीज क्रिमिनल ऑफेंस क्रिएट मत करो. स्लाइट हार्म हुआ है, ऑर्डिनरी सेंस में टेम्पर वुड कंप्लेन सच हार्म. अब ट्रेन में जा रहे थे, गलती से लग गई किसी को, थोड़ी क्रिमिनल ऑफेंस बना दोगे, ठीक है. स्लाइट हार्म में क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होता. 18 पॉइंट्स से कोई छूटा है क्या? एक बुक दे दो. कहाँ पे है ये? एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स वेयर विच आर ऑफेंस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉज्ड, ठीक है. दिस इज एन एक्सेप्शन, डू नॉट एक्सटेंड टू एक्ट्स विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी हार्म विच दे मे कॉज और इंटेंडेड टू कॉज और नोन टू लाइकली टू कॉज टू डू पर्सन गिविंग कंसेंट और हुज कम. मतलब यार बच्चों, किसी किसी को इंजेक्शन से भी डर लगता है, ठीक है, किसी किसी को सीजर से. अब ऑपरेशन करते टाइम हम ऐसी ऐसी चीजें करेंगे जिससे उसको हार्म होगा, स्लाइट हार्म होगा थोड़ा बहुत, पर वो बच जरूर जाएगा, ठीक है. तो इस एक्शन को हम नहीं बोलेंगे कि आपने कंसेंट दी थी और आप हमें क्रिमिनल ऑफेंस में डाल रहे हो, आपने इंडिपेंडेंटली कंसेंट दी हुई है, ठीक है. एक और कौन सा पॉइंट, पॉइंट नंबर 16, कंसेंट अलग से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, बस हमने 3 पॉइंट्स में समझा, ठीक है. मतलब सेक्शन 90 उन्होंने अलग से दिया कि कोई भी ऐसे एक्शन जिसके लिए आपने कंसेंट दी हो तो आपको हम क्रिमिनल लाइबिलिटी में कवर नहीं करें, ठीक है. कंसेंट है, हाँ, तो आप ये नहीं बोल सकते कि वहां कट मार दिया, मेरी बॉडी नहीं चल पा रही है. अरे तो तुम्हारी कंसेंट थी, ठीक है.